हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लैनेट। आज मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट LDC टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। कंप्यूटर टेस्ट से पहले आपको थोड़ा रिटन टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो ये एग्ज़ाम हो चुका है। रिटन टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी के दो पेपर हुए थे। दोनों ही पेपर 100-100 मार्क्स के थे और दोनों ही पेपर में आपको मिनिमम 40-40 मार्क्स तो लाने ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए हैं। आपको अपनी कैटेगरी कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। अब आते हैं कंप्यूटर टेस्ट पे। कंप्यूटर टेस्ट में आपके दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन होगा स्पीड टेस्ट, पेपर टू होगा एफिशिएंसी टेस्ट। पेपर वन और पेपर टू दोनों ही 50-50 मार्क्स ही होंगे और इन दोनों ही पेपर में आपको मिनिमम 20-20 मार्क्स तो लाने ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आपको अपनी कैटेगरी की कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। दोनों ही पेपर 10-10 मिनट्स के होंगे, तो आपको 10-10 मिनट्स को ध्यान में रखकर ही प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं इन दोनों एग्ज़ाम में जो टाइपिंग होगी, इसकी मिनिमम स्पीड आपको 8000 की ड्यूरेशन पर हावर दी गई है। ये राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से दी है। इसका मतलब है, यदि इसे पर हावर की जगह पर मिनट में कन्वर्ट करें, यानी कि वर्ड पर मिनट, तो ये लगभग हो जाती है 27 वर्ड पर मिनट। यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड 27 वर्ड पर मिनट तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा। हाई कोर्ट ने लिखा है, डेटा विल हैव टू बी फेड इन हिंदी और ड्यूअल लैंग्वेज। यानी कि आपका एग्ज़ाम या तो हिंदी लैंग्वेज में होगा या ड्यूअल लैंग्वेज में होगा। आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर लें या आप ड्यूअल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने ये रिवील नहीं किया है कि कौन सा टेस्ट किस लैंग्वेज में होगा। जो ड्यूअल लैंग्वेज यूज़ करेंगे उनके लिए हाई कोर्ट ने रिवील नहीं किया है। जो हिंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे उनके लिए दोनों ही टेस्ट हिंदी में होंगे। अब स्पीड टेस्ट की मार्किंग के लिए हाई कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया है। द मार्क्स इन द स्पीड टेस्ट शैल बी अवार्डेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। द फोर फोर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी इन पुटी देव 010 फॉर हिंदी एंड कैलिगरी फॉर इंग्लिश। यानी कि हिंदी के लिए जो फॉन्ट होगा वो होगा कृतिदेव 010 और इंग्लिश के लिए जो फॉन्ट होगा वो होगा कैलिब्री। अब बात करते हैं सिलेबस। द टेस्ट मे बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका टेस्ट एक बार वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट MS वर्ड पर ही होगा, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये हाई कोर्ट ने बताया है। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड। यानी कि आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, पेज की फॉर्मेटिंग एंड टेबल की फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, उसकी साइज बढ़ाना, ये सब इंक्लूड होता है। उसका फॉन्ट चेंज करना, ये सब इंक्लूड होता है। पैराग्राफ में इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट और राइट इंडेंट, ये सब इंक्लूड होता है। बेस्ट सेटअप आपको आना चाहिए, टेबल फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। थर्ड नंबर पर है फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर। हाई कोर्ट में जो लेटर यूज होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए। आपको एक लेटर दे दिया जाएगा, उसे आपको व्यवस्थित करना होगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब आगे हाईकोर्ट में लिखा है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेपर्स ऑफ कंप्यूटर टेस्ट। यानी कि जो दिव्यांग या विकलांग हैं उन्हें कंप्यूटर टेस्ट देने से छूट दे दी गई है। उनका चयन, उनके जो मार्क्स होंगे वो रिटन टेस्ट में उनके जो एवरेज मार्क्स आए वही मार्क्स उनके कंप्यूटर टेस्ट में भी मान लिए जाएंगे, तो इस आधार पर उनका चयन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं
मार्किंग का जो फॉर्मूला है कोर्ट ने दिया है स्पीड टेस्ट के लिए उसके बारे में। क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड वर्ड पर मिनट में, तो मैंने फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया है और 20/8000 की जगह मैंने 20/27 लिख दिया है। 27/8000 की डिप्रेशन पर आवर की वर्ड पर मिनट में स्पीड होती है। तो मान लीजिए आपके मार्क्स आते हैं, मान लीजिए आपकी स्पीड है 27 वर्ड पर मिनट, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम मार्क्स 20 मिल जाएंगे। यानी कि यदि आपकी स्पीड 27 होगी तो आपको 50 में से 20 मार्क्स स्पीड टेस्ट में मिल जाएंगे। देखिए आपको स्पीड काफ़ी इंक्रीज करनी है यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप देख सकते हैं कि 27 स्पीड में भी आपको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको स्पीड, मेरा सजेशन तो रहेगा 35-40 को आप करके ही जाइए यदि आपको मार्क्स अच्छे लाना है। यदि आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है तो एटलीस्ट 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड को आप करके जाइए। मान लीजिए आपकी स्पीड 30 है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको 22 मार्क्स मिल जाएंगे लगभग। तो ये तो हुई मार्किंग फॉर्मूले की बात। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो एसेंशियल्स टू क्रैक टाइपिंग टेस्ट, फर्स्ट नंबर पर है टेस्ट लैंग्वेज, या तो हिंदी होगी, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या आप बोथ लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। सेकेंड नंबर पर है मिनिमम टाइपिंग स्पीड 27 वर्ड पर फॉर बोथ लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज में यदि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है तो आपकी मिनिमम स्पीड 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर है फोकस मोर ऑन हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग को इंग्लिश टाइपिंग की अपेक्षा अधिक कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि इसमें वर्ड फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप हिंदी टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करें, ये गेम चेंजिंग रहेगी इस टेस्ट में, ऐसा मुझे लगता है। और फोर्थ नंबर पर है टाइपिंग सॉफ्टवेयर, आपको प्रैक्टिस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको यूज़ करना है अनोप हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको यूज़ करना है टाइपिंग मास्टर 010 10 4 इंग्लिश, टाइपिंग मास्टर 10 4 इंग्लिश आपको यूज़ करना है। फिफ्थ नंबर पर है प्रैक्टिस टाइपिंग लेसन्स मोर एंड मोर टू इंक्रीज स्पीड, यदि आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप इन सॉफ्टवेयर में जो टाइपिंग लेसन्स दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस बार बार करें। ऐसा करने से आपका माइंडसेट कीबोर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि कौन सी की कहां पर आप एक्यूरेट की दबाएंगे। एक्यूरेसी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आप मार्क्स अधिक गेन कर पाएंगे। सिक्स नंबर पर है टेक 10 विथ स्पीड टेस्ट डेली, आपको टाइपिंग लेसन्स के बाद 10 मिनट्स के स्पीड टेस्ट लेने हैं तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। सेवन नंबर पर है प्रैक्टिस फॉर 30 वर्ड पर मिनट एटलीस्ट, यानी कि आपको एग्ज़ाम में जाते वक्त 30 वर्ड पर मिनट की कम से कम स्पीड आपको मेंटेन करके जानी है। यदि आप ऐसा करके जाएंगे तो आप 27 तो अचीव कर ही लेंगे एटलीस्ट। एट नंबर पर है प्रैक्टिस फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट पेज सेटअप टेबल एंड लेटर, आपको पैराग्राफ टेक्स्ट पेज सेटअप टेबल एंड लेटर्स की फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करके जानी है। एंड फाइनली बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप सब टेस्ट को क्रैक कर लेंगे। यदि इस टेस्ट के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं
उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।